जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, या फ्रेंड्स आप इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेज भी कहते हैं। फ्रेंड्स जो वैकेंसीज आई हुई हैं BSF, CISF, CRPF, IDBP, SSB और असम राइफल, इसमें फ्रेंड्स आपको क्या काम करना होता है HCM में, फ्रेंड्स आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज कैसी मिलती है इसमें, फ्रेंड्स मैं आज आपको बारीक से बारीक चीज़ें इसमें बताऊंगा जो कि आपको शायद पहले कभी सुनने को नहीं मिली होगी। और इस पोस्ट में जाने का फ्रेंड्स हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है इसमें जाने का एक फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा, तो आप कंप्लीट वीडियो को देखना। और फ्रेंड्स इसमें क्या पेंशन मिलती है या नहीं मिलती वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले क्या होता था कि IDBP, BSF, CISF, CRPF जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं इनमें फ्रेंड्स ये वैकेंसीज अलग अलग आती थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की, लेकिन फ्रेंड्स अभी इन्हें मर्ज कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है फ्रेंड्स। अब वैकेंसीज एक साथ, जैसे SSC GD जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसीज आती हैं, वैसे ही अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल की भी साथ साथ वैकेंसी अब इस साल 2024 से आने लगी है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या काम करना हो। फ्रेंड्स ये क्लर्क होते हैं, तो क्लर्क में फ्रेंड्स क्या काम करना होता है, हमारी जो डिफेंस फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं फ्रेंड्स, अगर कोई सम्मानित और अच्छी ट्रेड मानी जाती है तो उसमें क्लर्क का भी एक नाम आता है, तो क्लर्क की ट्रेड बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत अच्छा आपका काम होता है, पूरा काम फ्रेंड्स आपका ऑफिशियल होता है। फ्रेंड्स जैसे हमारे स्कूल्स में क्लर्क होते हैं वैसे ही कुछ टाइप पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्लर्क होते हैं, इनका काम कंप्यूटर पे भी होता है और आपकी जो फाइलें होती हैं उन पे भी होता है, पूरा मिनिस्ट्रल जो काम होता है, पूरी यूनिट की जानकारी रखना, यूनिट में कितने जवान हैं, कौन छुट्टी पे गए हैं, कौन जवान अभी घर हैं, या फ्रेंड्स कितने जवान यूनिट में हैं, फ्रेंड्स किन की सैलरी मिली है, किन की सैलरी नहीं मिली है, किसको अलाउंस मिला है, किन को अलाउंस नहीं मिला है, कि जैसे ड्रेस अलाउंस जवान को मिले हैं या नहीं मिले, फ्रेंड्स जो पूरा ऑफिशियल वर्क होता है ये क्लर्क देखते हैं। और फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज BSF, CISF में जो ओपन भर्तियाँ होती हैं जिसमें फिजिकल होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो भी क्लर्क ही होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इनका ऑफिशियल वर्क होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है, बहुत ही रेप्यूटेड इनका काम होता है। देखिए फ्रेंड्स जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं अगर आप इनमें ज्वाइन करते हैं एज अ क्लर्क, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हेड कांस्टेबल की जो है यहाँ पे रैंक मिलती है, यानी हवलदार की रैंक मिलती है। फ्रेंड्स आप इसे ऐसे समझिए, सोल्जर जो होते हैं सोल्जर को हवलदार जाने तक लगभग 10 से 15 साल लग जाता है। यही फायदा है कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आपको हेड कांस्टेबल की यहाँ पे रैंक मिलती है और आपके राइट साइड पे 3% लगती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सैलरी की, तो फ्रेंड देखिए अगर आप हेड कांस्टेबल ज्वाइन करिए लेवल 4 की जॉब होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25,500 आपका बेसिक पे होता है, जिसमें आपका 48% DA लगेगा, आपका HRA लगेगा, TPT लगेगा, रिस्क अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, तो काफ़ी कुछ अलाउंसेज यहाँ पे मिल करके लमसम आपकी 45,000, तो फ्रेंड्स आपकी सैलरी 45,000 प्लस आराम से मिल जाती है। फ्रेंड्स बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी की, देखिए फ्रेंड्स हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें पूरी मेडिकल फैसिलिटीज आपको दी जाती है। फ्रेंड्स जो हमारे ITBP, BSF, CISF, CRPF, SSB के हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें आपको पूरी फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती है, जितनी भी सुविधाएं हो सके वो पूरी दी जाती है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी दी जाती है। फ्रेंड्स कैंटीन फैसिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स आपको पूरी कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है, CPC कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है, तो कैंटीन भी आपको पूरी दी जाएगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पेंशन की, तो फ्रेंड देखिए अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें आपको पेंशन जरूर दी जाती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा अंतर यह आ जाता है NPS और OPS का। OPS हमारी डिफेंस फोर्सेज में मिलती है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में केवल और केवल OPS पेंशन दी जाती है, बाकी फ्रेंड जितनी भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इनमें NPS चलता है, यानी न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम मिलती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पेंशन भी दी जाएगी लेकिन आपको NPS दिया जाता है। फ्रेंड्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रल और ASI के फॉर्म यहाँ पे अभी फिल हो रहे हैं, तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप अपना सपना फौज में जाने का या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने का पूरा कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।